हेलो दोस्तों, दिस इज़ रमी राइडर फ्रॉम एनसीआर मोटरसाइकिल। हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो है आज की, इसमें ऑयल चेंज कैसे करते हैं, ऑयल फ्लश कैसे करते हैं, ये बताऊंगा मैं आपको। तो पहले हम देखेंगे ऑयल कैसे चेंज करते हैं, फ्लश करने से क्या क्या फ़ायदा है, ये इसकी डिटेल मैं दूंगा आपकी इस वीडियो के एंड में। तो आप प्लीज़ वीडियो पूरी देखिए, और ऑयल फ्लश करने से क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे और कितने किलोमीटर पर करना चाहिए, सब ये आप जैसे जैसे जितने आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, वैसे एक भाई हमारे सुजीत भाई, उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा, वही आए हैं मेरे पास अभी बाइक लेके। तो आइए पहले देखते हैं हमें क्या क्या करना है। इसके ऑयल की कंडीशन दिखाता हूँ, ऑयल फ्लशिंग से पहले क्या कंडीशन है इसकी, आइए देखिए। तो अभी ऑयल की कंडीशन देखने के लिए मैं ये वाला बोल्ट खोलूँ, इसका 12 नंबर का आगे। इसका अभी ऑयल हमें निकालना नहीं है, मैं इतना ही निकाल लूँ, मैं आपको दिखाता हूँ और कैसा है। ये देखिए इसके ऑयल की, अब इसमें ऑयल फ्लशिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसा ऑयल निकलेगा। तो अभी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, इसका वर्थ कंपनी का है, मोटुल ग्रोट काफ़ी ब्रांड है इसके। तो मैं बिना ऑयल निकाले इसके अंदर पहले ये डालना है, अब इस गाड़ी को 5 मिनट के लिए 2000 आरपीएम पे छोड़ने हैं। हाथी में बढ़ा रहा हूँ उसको, तो इसके ऑयल चेंज करने के लिए हमारे 3 बोल्ट हैं, एक यहाँ पे ये वाला, ये जाली वाला और एक आगे, ये नीचे के बोल्ट हैं और एक हमारा ऑयल फिल्टर। ले उसको खोलते हैं, पहले मैं खोलूँ इसका जाली वाला बोल्ट। देखते देख क्या कंडीशन है इसके ऑयल की, ये हमारा फिल्टर है। ये बोल्ट खोलना जरूरी है, इसमें ना ये मैग्नेट के जितने हमारे अंदर के मेटल के पार्ट घिस जाते हैं वो इसमें जमा होते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा इसके अंदर सारे, ये हमारी मैग्नेट होती है इसमें लगी हुई, जितने हमारे मेटल के सामान गंदे होता है, जितना भी दरारें अंदर चल रही है, वो जो कचरा होता है इसमें मैग्नेट का होता है। देखिए तो इसको हमारे ये खोल के साफ करना ज़रूरी है। ये भाई ज़रूरी बोल्ट है ये वाला इसका, क्योंकि अब देखिए सारा ऑयल निकल गया, बट यहाँ से भी ऑयल ज़रूर निकलेगा। लोग मैकेनिक ना, आधे मैकेनिक ये खोलते नहीं है, आपने देखा होगा शोरूम वाले ना ऑयल बचा लेते हैं कि पूरा नहीं डालते, वो इसलिए क्योंकि वो ये बोल्ट नहीं खोलते, इसके अंदर 300-400 ग्राम ऑयल रहता है। ये देखिए ये इसके अंदर रहता ही रहता है, और ऑयल की देखिए फ्लश करने के बाद ऑयल की क्या कंडीशन है, बिल्कुल काले पेंट की तरह हो गया है। अगर हम नया ऑयल ऐसे डाल देते तो सारा ऑयल गंदा हो जाता है।
वाला फिल्टर है हमारा, ऑयल फिल्टर। सो कभी पेट्रोल से वॉश करके या किसी चीज़ से नहीं लगाते, पेपर एलिमेंट फिल्टर होता है ये, कभी वॉश नहीं होता, चेंज ही होता है हर हमेशा। इसको 5 मिनट के लिए दे दी ताकि निकल रहे, 5 मिनट का टाइम चाहिए, इसे निकलता रहेगा सारा ऑयल। देखते हैं भाई कैसे इसका ये निकले, देखिए ये सारा इसने निकाला है, ये नॉर्मली ऑयल चेंज होता है नहीं निकलता, ये सारे अंदर के मेटल है, ये जितना गरारियों का मैग्नेट का जितना भी घिसा होता है सामान वो है ये। ये जो ऑयल फिल्टर होता है देख सकते हैं आप, पेपर एलिमेंट होता है, इसको ना क्लीन नहीं करते पहले, ये इसके ऊपर ग्रीन, अच्छा एक बात है इसमें ना ये रबर पैकिंग होती है, तो ये वाला इसका रबड़ की पैकिंग होती है। अब इसमें क्या है, इसमें अगर बॉन्ड लगाएंगे ना रबड़ बड़ी हो जाती है, बाद में ये बैठती नहीं है, तो इससे अच्छा आप बॉन्ड इस चीज़ पे लगाइए। बहुत हल्की सी, अभी हमें प्रेस नहीं करना क्योंकि वरना रबड़ उस चीज़ पे चिपक जाएगी चैम्बर पे। अगर आप ऐसे करेंगे इसका ये कभी लीकेज नहीं होगा। अभी आधा चढ़ जाए, नीचे वाला पूरा कर देंगे ताकि ये बैठ जाए पूरा। ये हमारा पहले ये वाला बोल्ट है, देखिए इसके अंदर ना ये चीज़ मैग्नेट लगी हुई है, जितना भी कचरा होता है वो सब इसी में आके चिपक जाता है। जब भी ऑयल चेंज हो ये तीनों बोल्ट खोलना है, याद रखिएगा, और आगे वाला ज़रूर खोलना है, जो कंपनी वाले करते हैं ना कि आधा लीटर 400 ग्राम ऑयल बचा लेते बाद में कहते हैं इतना नहीं डालना चाहिए, वो इसलिए कि वो ये वाला बोल्ट नहीं खोलते। तो हमारा ये वाला फ़िल्टर है और इस फिल्टर की जो कैप है इसके अंदर ही मैग्नेट है। ऑयल भाई मैं यूज़ करूँ मोटुल 5100 15W50, तो ये यूज़ कर रहे हैं हमारे जिनके बाइक है वो क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं, तो वो खुद ही बताएंगे ये ऑयल कैसा है।
दो डिब्बे डल चुके हैं, अब इसमें से मैं हाफ लीटर डालूंगा। इसके अंदर निशान है ये, इसका मैं आधा ही डालूंगा बस, और आधा रख देंगे हम टॉप अप के लिए। इसको ना ऑयल डालने के बाद हम इसको 5 से 10 मिनट स्टार्ट छोड़ेंगे लो आरपीएम पे, ताकि हमारा जो ऑयल है सारा मूव कर दें इंजन में। उसके बाद अभी बाइक ये नहीं कि ऑयल डाला और अब चलाएंगे सीधा, तो ऑयल जैसे हमने चेंज किया, ऑयल फ्लश किया, तो इसको सारे में घूमेगा। उसके बाद लो आरपीएम पे छोड़ देंगे इसे, ताकि ऑयल सारा सर्कुलेट हो जाए पूरे इंजन का। भाई जब तक इंजाम सुजीत भाई हैं, मेरे सब्सक्राइबर ही हैं, तो इनसे बात करते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे ऑयल चेंज करना है, ऑयल फ्लश करना है। तो एक चीज़ और मैं पहले क्लियर कर दूं, आपने नोटिस किया होगा कि रॉयल इनफील्ड वाले जब इंजन में ऑयल डालते हैं तो वो थोड़ा बचा लेते हैं, क्योंकि मेरे कई सारे क्लाइंट्स हैं और सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन करा है कि बचा लेते हैं। तो बचाते क्यों हैं, जब इनफील्ड की आप सर्विस बुक में देखेंगे तो 2.5 लीटर उसमें जब मेंशन कर रहे हैं रॉयल इनफील्ड वाले, तो क्यों बचा रहे हैं वो जो मैंने आगे 12 नंबर वाला बोल्ट खोला है, वो वाला बोल्ट नहीं खोलते जिसके अंदर से 400 ग्राम ऑयल रहता है। तो आप वो हर सर्विस पे खुलाइए और ऑयल पूरा डालिए 2.5 लीटर। जैसे ये जो बाइक मैंने करी है, ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप जैसे सर, ये हमारे शिवजीत भाई हैं, तो ये ऑयल ये यूज़ कर रहे हैं। देखिए मैंने कई गाड़ियों में ऑयल डाला है, बट आप मेरी बात मत मानिए, ऑयल ये यूज़ कर रहे हैं तो ये खुद ही बताएंगे कैसा है। बताइए ये क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो पहले एज एवरी कस्टमर मैं तो रॉयल एनफील्ड से सर्विस कराता था, लेकिन जो लिक्विड गन वो जो देते हैं, आई वॉज नॉट क्वाइट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, बट सेम ग्रेड वाला ये 15W50 मोटर का 5100, मैं ये दिस इज थर्ड टाइम आई एम यूजिंग द मोटर 5100, ये वाला 5100। इसका बेनिफिट ये है, आई मीन टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोग इंजन का वाइब्रेशन कम करने के लिए क्या करते हैं, हैंडल बार चेंज करते हैं, ठीक है, हैंडल बार एंड्स लगाते हैं और भी नया फलाना बहुत चेंज करते हैं, बट मेरे मानना है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। जो सिस्टम जो सिम्टम्स आ रहा है उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम जहाँ है एट द हार्ट ऑफ द इंजन वो हम लोग नहीं देख पाते। वाइब्रेशन जो है इंजन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये हमें एक्चुअली नहीं कर रहे। तो जो मैं जब पहली बार 5100 डाला, तो आई मीन कोई भी इंजन आप डालोगे उसको 100 किलोमीटर से रन करने देना है, उसके बाद उसका बेनिफिट या डिस्कम्फर्ट आपको पता चलेगा एनी इंजन ऑयल। तो जब मोटुल 5100 मैंने डाला, उसके बाद मेरे को पता चला कि एक्चुअली जो वाइब्रेशन है ना, इट इज़ कोई और कुछ चेंज ना करके एवरीथिंग वॉज स्टॉक फिटेड, बट मेरा वाइब्रेशन कम हो गया, क्योंकि मैं एक टाइम लॉन्ग राइड पर गया था, तो आई वॉज राइडिंग अराउंड 120-110 फॉर अ लॉन्ग टाइम, आधा घंटा 45 मिनट्स में चल रहा था। सो आई एम क्वाइट हैवी बिल्ड अप एज यू कैन सी, बट आफ्टर स्टॉपिंग फॉर अ ब्रेक आई वॉज शिवरिंग लाइक हेल, मेरा हाथ कांप रहा था। सो लेकिन आफ्टर यूजिंग 5100 आई क्वाइट रन माई बाइक एट हाई स्पीड ऑन हाईवेज, बट इट एक्चुअली रन वेरी स्मूथ, उतना वाइब्रेशन नहीं आया। तो यही है, यही बेनिफिट है। और बाय द वे आई एम अ वेरी ओल्ड सब्सक्राइबर ऑफ दिस जेंटलमैन, ही इज़ क्वाइट हैंडसम एज़ वेल। तो मैं आया था सर्विस कराने के लिए मेरे बाइक, आई एम वेरी हैप्पी, आई मीन बहुत दिन से मैं कंपनी में भी सर्विसिंग किया है, एज ए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू नो आई मीन इसमें तो पैसा का कोई चक्कर है नहीं, बहुत बहुत अच्छा मेरे को जो मेरा बाइक से मुझे बहुत प्यार है, उसने जैसे ध्यान दिया ना, जितना नोटिस दिया मेरा बाइक पे, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी क्वाइट यू नो सेटिस्फाइड विद दिस।
एंड देर इज़ वन थिंग इफ यू अलाउ मी, बहुत दिन से इनका वीडियो फॉलो कर रहा हूँ, आज वीडियो बनते हुए देखा सर्विस करते करते कैसे वीडियो बनाते हैं, तो एक बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत होती है, एफर्ट लगता है, ऐसा नहीं कि 15 मिनट का वीडियो देख लिया आ हा कितना अच्छा है, लेकिन इट टेक्स ए लॉट ऑफ एफर्ट। एंड और भी रॉयल एनफील्ड के ऊपर वीडियो बनाने वाले बहुत है, लेकिन दे आर कॉपिंग हिज कंटेंट एंड यू नो एडिंग इट अप टू देयर ओन चैनल्स एंड कुछ अपना लगा के बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर कॉपिंग इट, सो कॉपी करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन द थिंग इज एक एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, दैट इज हाउ आई मीन दिस शुड गो राइट। सो देखिए आपकी बात यहाँ करूँ, देखिए कॉपी करने में कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो और अच्छा लग रहा है कि मैं 3 महीने का आया हुआ यूट्यूबर पे, लोग मुझे पुराने कॉपी कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई चलो मेरे में कुछ है हुनर कि लोग मुझे कॉपी कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं टेंशन नहीं लेता, मैं तो अपना काम करने से मतलब है। और भाई बस यही एक रीज़न है कि मैं टैपिट नॉइज वाली वीडियो डाला, क्योंकि वो मेरी बहुत मेहनत से वीडियो डाल रखी है, अगर वो मेरी कॉपी हो गई तो बहुत मतलब मुझे दिल से बुरा लगेगा, तो बस मैंने पैटर्न के लिए दे दिया, वो मेरा डिज़ाइन पैटर्न हो जाए, अगर कोई कॉपी करता है तो भी मेरा फ़ायदा उसके अंदर, मैं क्लेम केस कर सकता हूँ कि मेरा डिज़ाइन है आपने कॉपी कैसे करा, तो इसलिए मैंने नहीं डाला, मैंने आपको कोई डिटेल दी अभी। आई नो एक्चुअली मैं आया था टैपिट नॉइज़ के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी नहीं कर सकते, तो आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट कि हो जाए इनका, तो कोई एक कंपनी में जा रहे कि कंपनी का बाहर वाले का डिज़ाइन और कंपनी इंजीनियर्स उसको रिकमेंड करके उसको पेटेंट देगा, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, एक छोटा सा गैरेज से पुश्ती से चले आ रहा है बिजनेस, थर्ड जनरेशन है, आई मीन इट्स लाइक दिस इज वेयर द गॉड्स मीट द ग्लोरी, आई एम टेलिंग यू, इट्स वेरी नाइस। ओके देन ऑफ टू एनसीआर मोटरसाइकिल्स, तो प्लीज़ अगर ये एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, भाई बोलेंगे सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो ज़्यादा शेयर करिए और सारी सब बाइकर के पास मेरी वीडियो पहुँचे और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियोज़ के साथ, बी सेफ राइड सेफ।